आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों की शुरुआत करते हैं। आम बगान मैदान में लगाई गई पटाखों की अस्थायी दुकानों की जांच के लिए अग्निशमन विभाग के अधिकारी गणेश यादव पहुंचे। आम बगान मैदान में अस्थायी पटाखों की दुकान को प्रशासन द्वारा लाइसेंस निर्गत किया गया है। वे खुले मैदान में पटाखा बिक्री कर सकते हैं। इधर मंगलवार को अग्निशमन विभाग के अधिकारी गणेश यादव जांच के लिए पहुंचे। उन्होंने दुकानों में अग्निशमन यंत्रों की जांच की। जांच में 5 यंत्र खराब पाए गए, जिससे वे नाराज दिखे। मैं इस पटाखा दुकान में उपायुक्त महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार फायर सेफ्टी के दृष्टिकोण से हमने फायर सेफ्टी अग्निशामक यंत्र को चेक कर रहा हूं और लोगों को बता रहा हूं कि पटाखा दुकान में फायर एक्सटिंग्विशर एक्टिव हालात में रखना जरूरी है। अभी तक चेक में क्या पाया आपने? मैंने चेक में पाया ये उज्जवल जी ने स्टैंड को लगाया है। मैंने 5 उज्जवल को चेक किया, 5 के 5 डेट पाया। MHA द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन राज्य भर में किया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। पुलिस अधिकारियों को MHA के दिशा निर्देश के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्थानीय माइकल जॉन प्रेक्षागृह में उन्होंने फोकस पॉइंट के विषय में बताया जा रहा है, किस तरह अच्छी पुलिसिंग के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है, ताकि जनता और पुलिस के बीच समन्वय स्थापित हो सके और कानून व्यवस्था बहाल रहे। मैं एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के साथ में काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हूँ। जो CCTNS प्रोजेक्ट्स MHA के द्वारा जो संचालित किया गया है सारे राज्यों में, तो झारखंड राज्य पर भी उसमें जो अभी करंट जो स्टेटस है, हम लोग का जो प्रोग्रेस होने का जो प्रोग्रेस हो रहा है, उसके रिगार्डिंग सेशंस को बुलाया गया है। MHA के निर्देशानुसार जो आगे आने वाले समय में क्या क्या कामों पर हम लोगों को फोकस करना है, बेसिकली आज के दिन में इस ट्रेनिंग्स को सारे लोगों को समझाया जाए। डेडियल सनशाइन स्कूल के कक्षा 5वीं और 6वीं के बच्चों ने एक रैली निकालते हुए जल एवं वन संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। एडियल सनशाइन स्कूल के बच्चों ने मंगलवार को एक रैली निकाली। रैली में वन एवं जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया गया। वन है तो पर्यावरण है, जल है तो हम है और मानव जीवन है। बच्चों ने हाथों में प्लाई कार्ड थाम रखा था। हमारे एडियल सनशाइन स्कूल के जो स्टैंडर्ड 5 के बच्चे हैं, ये आज फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर एक रैली निकाले हैं। फॉरेस्ट मतलब जंगल जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए सबसे बड़ा काम जो है वो फॉरेस्ट का ही होता है। फॉरेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है और एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने इन बच्चों